आपको मिला था वो अभी हमारे जो रंजीत भाई पहले कौन सी बैंड में काम करते थे, तो रंजीत भाई आप तो देख सकते हो हमारे रंजीत भाई अभी आने वाले हैं हमारे एम के स्टार बैंड में, उनकी एंट्री होने वाली है गाइस। तो आप पहले कौन सी बैंड में काम करते थे? पहले साई स्टार तरोपा, पहले ये साई स्टार बैंड में काम करते हैं तरोपा वाली, तो अभी वो आने वाले एम के स्टार बैंड में। और दूसरे हमारे जो आर्टिस्ट हैं तो गिरा था, दूसरे हमारे आर्टिस्ट मैं हमारी डिस्ट्रिक्ट की बैंड थी वहाँ पे वो पहले काम करते थे सुपर ऑल स्टार बैंड में, तो अभी आने वाले हैं हमारे एम के स्टार बैंड में। तो फुल मेहनत है कि सब हमें अगर प्रोग्राम आना 9 अगस्त का कुछ करेंगे अलग नया। तो गाइस हमारे जो दूसरे सिंगर की अभी एंट्री हो चुकी है, अब मिलाना चाहेंगे हमारे दूसरे पैड मास्टर के साथ, उनकी न्यू मेंबर से हमारे एम के स्टार। क्या नाम है? गजेंद्र। उनका नाम है गजेंद्र गाइस। तो देख सकते हो पैड बजाते हैं आप, कहाँ से हो वैसे? कहाँ से? पहले कौन सी बैंड काफी साल है आदमी, अगले साल में कौन सी बैंड? शेषनाग बैंड में। वैसे तो मैंने वो बैंड नहीं देखी है गाइस, पर आप लोगों ने किसी ने देखी हो कमेंट कर सकते हो शेषनाग बैंड कैसी है वैसे मेरे को बोल सकते हो। शेषनाग बैंड में भी काम करते थे पैड बजाते वैसे, तो अभी एम के स्टार बैंड में फुल धमाका रहने वाला है हमारे जयेंद्र भाई का फुल धमाका रहने वाला है पैड मास्टर। गजब आप लोग सभी जानते हो कि वैसे उनका इंट्रो देने का मेरे को कोई जरूरत नहीं है वैसे, तो उनका नाम कमलेश भाई है, उनका न्यू सॉन्ग भी अभी आया हुआ है गाइस, तो वो भी मैं बारे में डालने वाला हूँ, तो वहाँ पे जाके आप उनका वो सॉन्ग भी सुन सकते हो। गुजरात आ जाओ हमारे। तो गाइस ये तो हमारे चाणक गांव की है और बैंड के ओनर के मतलब भाई है गाइस, तो मैं मिलना चाहूंगा अभी उनके दोनों भाई है, वैसे तो तीन भाई एक ही बैंड में काम करते, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है कि उनकी एक ही बैंड में एक ही परिवार के तीन लोग काम करते हैं। तो मतलब कभी कभी ऐसा भी बनता है गाइस कि मतलब प्रोग्राम तो स्टार्ट हो जाते हैं पर कभी कभी जो कारीगर लोग रहते हैं वो कभी कभी दगा दे के चले जाते हैं दूसरी बैंड में, पर उनकी बैंड में ऐसा है कि चलो कोई चला भी जाता है तो उनको दिक्कत नहीं होती क्योंकि घर के ही मेंबर्स है गाइस। तो हमारे अनिल टोन ऐसे हम अनु टोन बोलते हैं उनको, तो वो तो अभी एम के स्टार में ही रहने वाले हैं, साथ में मिला देते हैं हमारे रॉबर्ट म्यूजिक, तो मिला दे राकेश भाई वो भी चाणक गांव के है गाइस, वो भी हमारे ओनर के भाई है वैसे, तो साथ में हमारे सुनील भाई ओनर को भी बुला ही लेते हैं क्योंकि दो भाई ऐसे यहाँ पे आ चुके हैं, तो ओनर को भी बुला ही लेते हैं। देख सकते हो गाइस सुनील भाई यहाँ पे भी आ चुके हैं हमारे सुनील भाई ओनर, उनका कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, तो जिस किसी को गणपति पे प्रोग्राम बुक करना हो तो वो भी कर सकते हैं, तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। और वैसे मेरे को भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, तो आप मेरे को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, सुनील भाई को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो जिसको वैसे तो दो प्रोग्राम बुक हो चुके हैं हमारे गणपति पे, जिस किसी को भी एम के स्टार बैंड बुक करनी हो तो वो कर सकते हो। आप सुनील भाई के साथ थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं क्या क्या नई न्यू अपडेट आने वाली है कैसे। सुनील भाई अभी 9 अगस्त पे हमारा प्रोग्राम आ रही है, तो गाइस करजन में वैसे तो मैंने एक वीडियो डाला ही हुआ है कि करजन में उनका 9 अगस्त का प्रोग्राम रहने वाला है, और गणपति के प्रोग्राम कहाँ का होगा? गणपति का प्रोग्राम सूरत साइड है, दूसरा बागपुर है संख्या डिस्ट्रिक्ट, तो गाइस बुकिंग है और तीसरा बुकिंग बाद में होगी। जैसे ही जो गाइस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, तो भी आपको पता चलेगा कि क्या न्यू अपडेट आने वाली है, वैसे तो कर सकते हो सुनील भाई को। तो दोस्तों आखिर में ये बताना चाहता हूँ कि सभी लोग ये जानना चाहते होंगे कि दिल सिंगर कहाँ जाने वाले हैं, तो सुनते हैं उनकी जुबानी। तो गाइस मैं भी मेरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, तो गाइस अभी फाइनल हो चुका है, मैं भी एम के स्टार बैंड में ही आने वाला हूँ गाइस। तो ये तो बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों ने बैंड छोड़ दिए गाइस, तो क्या किसी को घर की प्रॉब्लम रहती है, पैसों की प्रॉब्लम रहती है, तो इसीलिए मतलब बैंड चेंज करना पड़ता है क्योंकि, और मेरा मानना ऐसा है कि थोड़ा टाइम में बैंड चेंज करनी चाहिए क्योंकि दूसरे जो आर्टिस्ट के साथ काम करेंगे तो दूसरा कुछ हमको सीखने को मिलता है, इसीलिए मैंने बैंड चेंज किया। तो एक मेंबर हमारे रह गए थे गाइस, तो उनकी इन्फॉर्मेशन अभी मैं डाल देता हूँ आपको, पहले दिखा देता हूँ जस्ट मतलब महाकाली माता का दर्शन कर लिया, वैसे हमारा टेम्पो भी आया गाइस देख सकते पीछे, अभी सामान तो मतलब अभी चढ़ाएंगे पर अभी 9 अगस्त पे फुल सेटअप लगाने वाले हैं वैसे। और मिलवाते हैं हमारे जो क्यूबर मास्टर हैं, वैसे तो एम के स्टार में ही काम करते थे पर अभी मैं मिला देता हूँ राहुल भाई, तो देख सकते हैं हमारा राहुल भाई ये कोई था ना हमारे हमें मिला था, अभी हमारे जो दूसरे सिंगर वो भी ऊपर नहीं आ पाए, दोनों साथ में ही थे गाइस, मिला था आपका नाम कहाँ पहुँचेगा छोड़ दिया है।